सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और चैनल्स ने भी उसकी खबर को उसका जिक्र किया है। उस्मान डार साहब और उनकी फैमिली के साथ उनकी 75 साल बूढ़ी वालदा, बहू बेटियों के साथ जो सलूक बरता गया है उसका ना कोई कानूनी जवाब है ना कोई इखलाकी जवाब है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। रात के 2 बजे घर के बच्चों को सड़क पिला खड़ा कर देना, ये कहाँ, ये कौन सा महज़ माशरा या हमारी मशर की रिवायात उसकी इजाज़त देती हैं? आप बखूबी उससे वाकिफ हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिसने भी वो देखा, जिसने भी पढ़ा, उसको तकलीफ हुई और वो अफसरदा है। और फिर न सिर्फ उन पर, उनके कारोबार को जब बंद किया गया, उनकी फैक्ट्रियों को सील किया गया, मत भूलिए कि उसका निशाना सिर्फ उस्मान डार या उनका ख़ानदान नहीं बना, 2500 फैमिलीज जो वहाँ से रोज़गार हासिल कर रही थी उनके चूल्हे भी ठंडे हो गए। जब फैक्ट्री सील हो गई और वो फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूट कर रही थी, डॉलर कमा रही थी मुल्क के लिए, उसको आप बंद कर रही हैं, तो क्या ये मईशत की खिदमत है? क्या वो गरीब लोग जो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं उनकी खिदमत है? मैं उसकी मजम्मत करने आया हूँ। इसके साथ साथ मेरी कल मोहसिन लगारी साहब से बात हो रही थी। मोहसिन लगारी हमारे इलेक्टेड MLA फ्रॉम PTI, वज़ीर ख़ज़ाना रहे पंजाब में, बहुत पढ़े लिखे मंझे हुए इंसान, उनके बेटे को उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद होता है, उसकी आहो पुकार वालिद को सुनाई जाती है और पूरा ख़ानदान इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ता है जिसमें ना उनका दिल था ना उनकी ख्वाहिश थी। इसी तरह आप देखिए हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली नियाज जक्कड़ साहब, लहिए से उनका ताल्लुक़ है, शरीफ़ुन्नस, सुलझे हुए इंसान। 2 दिन पहले वो पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार करते हैं, फिर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं और गिरफ़्तारी के 48 घंटे के अंदर उनका एक बयान आ जाता है और वो बयान वही जमात से लाताल्लुकी और आइंदा इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का इरादा। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका नोटिस कौन देगा? मैं जनाब काकड़ साहब से कहूँगा, आपका पहला बयान आया था कि आप इंश्योर करेंगे शफाफ इंतखाबात, क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज करूँगा, इस किस्म के इकदामात का उनको नोटिस लेना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि क्या आप ये जो हालात हैं इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तसव्वुर करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या इसका आप नोटिस लेंगे? तो मेरा एक नुक्ता तो ये था। दूसरा नुक्ता जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक मीडिया हाउस ने ख़ास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम,
पर सवाल या निशान सब जानते हैं, और मैं बिलखसूस जानता हूँ किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है, और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी के मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे नबर्द आजमा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो खबरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कन्फ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूँगा इसमें कोई हकीकत नहीं है और इंशाल्लाह ये वक्त के साथ दम तोड़ जाएगी। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीज़ें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीज़ें मंसूब कर दी गई जिनमें कोई हकीकत नहीं है। और मुझे खुशी है, मैंने देखा भी है कि जैसे उनके नोटिस में बात आई उन्होंने फिल फॉर अपने ट्वीट के ज़रिए पूरी वजाहत कर दी और उस अभाम को, उस कन्फ्यूजन को बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने निगेट किया, उसको रद्द किया। फिर ये तासर दे देना कि तहरीके इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है, किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है वाजे तौर पर एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, इस पे कोई दो आरा नहीं है, उनका मुतबादल कोई हो ही नहीं सकता और ना कोई होने की कोशिश कर रहा है। उनकी ज़ात पर तमाम मुत्तफिक है, उनके विजन पर तमाम जुड़े हुए हैं, और अगर किसी की खाम ख्याली है तो वक्त उसे दूर कर देगा और वो जो यूनैनिमस रेजोल्यूशन है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं समझता हूँ कि उनकी 27 साल स्ट्रगल, इस वक्त जो कोर कमेटी काम कर रही है मुश्किल हालात में, उसके पास अमानत है और जब तक वो रिहा नहीं होते और बाहर नहीं आते, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, इस अमानत में वो खयानत नहीं होने देगी, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपकी खिदमत में मर्ज करना चाह रहा हूं वो है कि 10 रोज पहले एक नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होता है, 7 रोज पहले कौमी असेंबली की तहलील होती है और उसके बाद आइन बड़ा वाज़े है। आइन की अगर आप दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 224(2) और आर्टिकल 48(4) अगर आप इनको मिलके पढ़िए तो कोई अभाम नहीं है कि इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं और किस मुद्दत के अंदर होने हैं। 90 दिन की वाज़े कदगन है, 90 दिन की डेडलाइन को अगर आप अबूर करते हैं तो वो एक गैर आइनी कदम होगा। अब कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन एक्ट के ज़रिए सेक्शन 17(2) के तहत डिलिमिटेशन एक कानूनी ज़िम्मेदारी है, बेशक है, कोई उसे इनकार नहीं करता। सवाल ये उठता है कि फौकियत किसको होगी, आइन को या सब्सिडरी लेजिस्लेशन को?